लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भविष्यवाणी के अनुसार नंदी को पति स्वीकार करने का हठ ठान लेती है। नारद सुयशा के हित में शिव सती और नंदी के सामने स्थिति स्पष्ट करके नंदी और सुयशा का विवाह संपन्न करा ही देते हैं। Shiva.
शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रिय लक्ष्मी, ये आज तुम्हें शिव भक्ति का विचार कैसे आया? महाप्रभु, आपको ध्यान मग्न देख मैं संसार भ्रमण के लिए चली गई। संपूर्ण जगत में जहां भी देखो शिव की महिमा ही छाई हुई है। शिव की पूजा, शिव का नाम स्मरण, शिव के मंत्रों का जाप, सोचा मैं ही इससे विलक्ष क्यों रहूं। मैं भी ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का आनंद ले लूं। उत्तम, अति उत्तम। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए शिव भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। इस नाम में सृष्टि की धड़कन है और सृष्टि धड़कन को लयबद्ध करने वाले भी स्वयं सदाशिव ही हैं। शिव सर्वत्र है, शिव सर्वज्ञ है और शिव भक्तों का सर्वस्व भी है। ये आप कह रहे हैं प्रभु? आप जो जगदीश्वर है, विश्व के पालन करता है। मैं जगदीश्वर और सृष्टि का पालन करता अवश्य हूँ, किंतु सदाशिव के इच्छानुसार ही मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। मैं और ब्रह्मा दोनों ही उनकी कामना के फल हैं। ये शाश्वत सत्य है कि सदाशिव ही सृष्टि के सृजक, पालक और संहारक हैं। जिस प्रकार शिव की इच्छा से ही समुद्र मंथन हुआ, तुम्हारी उत्पत्ति हुई और तुम मुझे पति रूप में प्राप्त कर सके। जन जन को धन वैभव की प्राप्ति तुम्हारी ही कृपा से होगी। उसी प्रकार कोई भी भक्त मेरी आराधना करते हुए शिव की स्तुति नहीं करेगा, उसे मेरी कृपा और प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आपके मुख कमल से शिव महिमा सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं सदा पत्नी धर्म का पालन करूंगी, आपका नाम स्मरण करूंगी जैसे आपके परम भक्त नारद करते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम परमपिता, आपने मेरा स्मरण किया। हाँ, इस हेतु कि मेरा यह मानस पुत्र आदेशित कार्यों को नाद एवं प्रकाश से भी बढ़कर त्वरित गति से करता है। तुम देवलोक के दूर संचालित। नारायण नारायण, सब नारायण की कृपा। मेरी प्रशंसा तो हो चुकी, अब कार्यादेश भी दे दे तो उचित होगा। हे नारायण, तुम उस क्षण के स्वयं साक्षी हो जब समुद्र मंथन से विष निकला, हाहाकार मच गया। विष के प्रभाव से सारी सृष्टि को बचाने के लिए करुणा सागर शिव हलाल पार करके नीलकरण कहलाए। भगवान शिव के भक्त वत्सल, उन्होंने अपने भक्तों को ही नहीं जन जन को, सभी जीवित प्राणियों को विष के कुप्रभाव से बचाने के लिए हलाहल पान किया। यदि वे हलाहल पान न करते तो आज सृष्टि का अस्तित्व ही न होता। ये तो सत्य, किंतु सदाशिव के हलाहल पान के पूर्व ही पर्याप्त विष वातावरण में घुल मिल गया था। प्रदूषण के चिन्ह यहाँ वहां वातावरण में दृष्टि को जल भी हो रहे हैं। प्रकृति और जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रदूषण को मिटाना अति आवश्यक है। यही सोचकर मैंने महान यज्ञ का आयोजन किया। परमपिता, ये यज्ञ कहाँ संपन्न होगा? ये यज्ञ प्रयाग की पवित्र भूमि पर होगा। इसमें भाग लेने के लिए सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने की मेरी अभिलाषा है और आमंत्रण देने का महत्वपूर्ण कार्य मैं तुम्हें सौंपा। परमपिता, इतने महत्वपूर्ण कार्य का इस अकिंचन नारद को सौंपना ये दर्शाता है कि आपके मन में मेरे प्रति कितनी कृपा और स्नेह है। आपके इस स्नेह और कृपा का मैं सदा के लिए आभारी हूँ। इसका आभार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण कार्य हमने तुम्हें इसलिए सौंपा है क्योंकि श्री हरि विष्णु के परम भक्त होने के नाते तुम सबके प्रिय हो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इतने वाक पटु एवं चतुर हो कि कठिन से कठिन कार्य सहजता से पूर्ण कर देते।
सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। परम पिता अब मुझे आज्ञा दे। आज तुमने यहाँ आने में शिवगणों का नेतृत्व नहीं किया। स्वामी, आपके चिंतन में ऐसा कोई थी कि समय का ध्यान नहीं रहा। मैं क्षमा चाहती हूँ। जब हमारे चिंतन कर रही थी तो उसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। हे प्रभु शिवशंकर, आज आपसे पूछने की कुछ मन में जिज्ञासा जाए। जिज्ञासा का समाधान अवश्य होगा। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? अभी अभी माता सती ने कहा कि वो आपका चिंतन कर रही है। आप तो सदा समाधि में लीन रहते हैं। क्या आप भी उसी का ध्यान कर रहे थे जिसका चिंतन माता कर रही थी? नंदी के इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दो सती। संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर तो आपके पास है प्रभु। मैं तो केवल आपका चिंतन कर रही थी। आप किसके ध्यान में खोए रहते हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं। तो नंदी को ये बता दो कि तुम मेरा चिंतन कैसे कर रही थी, किस प्रकार से तुम अपने मन में मुझे निहार रही थी। स्वामी, आपने मुझे बताया था कि शिव और शक्ति अभिन्न हैं और मैं स्वयं शक्ति का अवतार हूँ। परंतु परंतु क्या देवी, क्या तुम्हें मेरे कथन पर संदेह है? आपकी बातों पर संदेह कैसा? मेरे मन में भी वही प्रश्न जागा था जो नंदी के मन में जागा है। प्रभु, जब मैं स्वयं आपके पास हूँ तो आप आंखें बंद करके किसका ध्यान करते रहते हैं? हाँ भोलेनाथ, माता वही पूछ रही हैं जो मैं पूछने का इच्छुक हूँ। नंदी, सती, जब हमारी आंखें बंद होती हैं तब हमारे सम्मुख होती है सदाशिव की ज्योति। वो ज्योति जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है, यही ज्योति शिव ज्योति के नाम से भी जानी जाती है तथा ब्रह्म ज्योति के नाम से भी प्रसिद्ध है। परमात्मा की उसी उज्ज्वल ज्योति का ध्यान योगी जन करते हैं। नारायण नारायण। हे महेश्वर, माता सती, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आओ नारद, अधिक समय के पश्चात दर्शन किए। हे महेश्वर, क्षमा कीजिए, आपकी इच्छा के बिना मैं आपके दर्शन के लिए कैसे आ सकता हूँ? आज आपने मेरा स्मरण किया और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। देवर्षि, आज प्रभु ने आपका स्मरण किया। देवी सती, नारद की शब्द शैली से भ्रमित होकर सुनने वाला सोचता ही रह जाता है। महेश्वर, ये आप मेरी निंदा कर रहे हैं या प्रशंसा, मैं समझ नहीं पाया। हम तो सदा तुम्हारी प्रशंसा ही करते हैं नारद। अब बताओ, यहाँ किस विशेष उद्देश्य से पधारे हो? महेश्वर, इस समय तो मैं परम पिता ब्रह्मा जी का दूत बनकर आया हूँ। नारायण नारायण। ब्रह्मा देव की दूत? हाँ माता, परम पिता ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है कि समुद्र मंथन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए। अति उत्तम विचार है ब्रह्मदेव का। कहाँ होने जा रहा है ये महान यज्ञ? प्रयाग की धर्म भूमि पर परमपिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु आपको सादर निमंत्रण भेजा है। हम अवश्य उस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आपकी स्वीकृति से मैं धन्य हुआ। अब मुझे आज्ञा दो। देवर्षि, आप इतना शीघ्र जाने की क्यों सोच रहे हैं?
जब नारद का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वो एक पल भी कहीं नहीं रुकते। शिव 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 शिव, ऐसी बात नहीं है प्रभु। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके चरणों में बैठा रहूंगा, परंतु अभी परंतु कैसा? परंतु इस समय मुझे कई महानुभवों को प्रयाग यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए जाना है। परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि ये कार्य मैं शीघ्र अति शीघ्र संपन्न करूं। तो इस शुभ कार्य से हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछो। क्या अब भी कोई प्रश्न शेष रह गया है? स्वामी, क्या प्रयाग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? एक ओर महायज्ञ, दूसरी ओर पुण्य स्थली का तरस बरस, दो दो पुण्य के कार्य एक ही साथ हो जाएंगे स्वामी। नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। पिता ब्रह्मदेव ने इस यज्ञ के लिए भोलेनाथ के साथ मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इस महान यज्ञ में सम्मिलित हो सकूं? ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा, ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा। व्यक्तियों ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं इस पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग्य ही नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से सेवित होकर तुम्हारे वेदों कर्म लुप्त हो चुके हैं। अब तुम मात्र शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी दुष्ट और पापाचारी पुरुष मात्र रह गए हो। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और जन से इन शिव शंकर को इस यज्ञ भस्म कर दिया जाए और देवताओं के साथ इसे यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। जिनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो पालन करता है और एक दिन संहार करता भी होंगे। हे शिवगणों, तुम सबके सब इस यज्ञ से बहिष्कृत हो जाओ। तुम सबके सब नीच और पाखंडी हो। सिर पर जटा, शरीर पर फस्त, हड्डियों के आभूषण पहने फस्त, तुम मद्यपान में आसक्त हो। ये मेरा श्राप है, श्राप है। ओ मूर्ख दक्ष, मुझे शिव तत्वों का तनिक भी ज्ञान नहीं। तुझ जैसे अहंकारियों ने ही महेश्वर का उपहास किया है, इसीलिए शिव तेज के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए और तेरा मुख पशु समान हो जाए। तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। तुम तो ज्ञानी हो नंदी, सनकादिक ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश भी तो तुम्ही ने दिया था। अतः अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी, तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं।
यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो हम कैलाश लौट चलें। यज्ञ पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का आरती क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित यहाँ से हट चुका है। दक्ष, पुत्र दक्ष, दलित सुनो। चराचर जगतपति शिव शंकर का अपमान करके पुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया। अकारण क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। मैं ओंकार हूं, ब्रह्मांड का कण कण मेरी ध्वनि से लयबद्ध होकर निरंतर नृत्य कर रहा है। मैं ही शिव में समाहित नटराज और आदि नृत्यकार हूं। मैं ओंकार हूं। विश्वलोक में श्री हरि विष्णु के मुख से शिव महिमा सुनकर लक्ष्मी प्रभावित हुई। उधर प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता एवं समस्त ऋषिगण पधारे हुए थे। यज्ञ में ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष भी पधारे। दक्ष के सम्मान में जमाता शिव जब नहीं खड़े हुए तो दक्ष क्रोधित हो उठे और उनका अपमान करने लगे, तो नंदी ने दक्ष को प्रताड़ित किया। शिव ने उसे रोका। चलो हम कैलाश लौट चलें। यज्ञ पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का आरती क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित यहां से हट चुका है। दक्ष, पुत्र दक्ष, दलित सुनो। चराचर जगतपति शिव शंकर का अपमान करके पुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया। अकारण क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्या हुआ दक्ष? क्या बात है? आप तो यज्ञ भी गए थे। यज्ञ करने वालों के उपरांत तो चित्त शांत हो जाता है, और आपका स्वास्थ्य ठीक है ना स्वामी? कहीं तो राज वैद्य जी। मुझे कुछ नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं हो सकता। सर्वनाश के दिन तो आ गए हैं उस अहंकारी भूतदास के, जिसने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है। आप जामाता जी की बात कर रहे हैं? क्या किया है उन्होंने जो आप क्रोध में बिफरे जा रहे हैं? क्या नहीं किया उसने? भूत प्रेत निशाचरों के साथ शमशान में रहने वाले उस ओगर शिव का दुस्साहस तो देखो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनियों ने जिस दक्ष का अभिवादन किया हो उसी की उपेक्षा कर डाली उसने। गणमान्य विद्वान या महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में न सही, ससुर के रूप में तो मुझे नमन कर ही सकता था। हो सकता है उनका पूरा ध्यान उस समय यज्ञ की ओर लगा हो। तुम उस नीच का साथ तेरी हो महारानी, जिसके टेढ़े तिरछे मुख वाले गणों ने मेरा जी भर के अपमान किया है, मेरे ब्राह्मणत्व को ललकारा है, श्राप दिया है मुझे। अवश्य आपने भी कुछ कहा होगा, तभी तो। एक तो तुम हो जो उस चटा झूठधारी नंग धड़ंग जामाता पर अपने हृदय का पूरा प्रेम उड़ेल रही हो, और दूसरे हैं मेरे पिता, जिनके दबाव में आकर मुझे अपनी सती का विवाह उस दुष्ट के साथ करना पड़ा। मेरा वश चले तो। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। आपका ये शिव क्रोध मुझे किसी अनिष्ट की चेतावनी दे रहा है। भगवान के लिए मुख से एक भी अपशब्द मत निकालिएगा। मुख से कहने से क्या लाभ? अब तो अपमान का बदला अपमान से ही लिया जाएगा। महारानी, मैं शीघ्र एक महान यज्ञ का आयोजन करूंगा, जिसमें मैं तुम्हारे लाडले जामाता को कदापि कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। क्या? इतना ही नहीं, उसका यज्ञ भाग भी उसे नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध।
प्रतिशोध, प्रतिशोध। शिव शंकर से प्रतिशोध लेने के लिए निश्चय कर चुके हठधर्मी और क्रोधी पुत्र दक्ष से पिता ब्रह्मदेव ने प्रयाग यज्ञ तो किसी प्रकार संपूर्ण करवा लिया, किंतु उसके अनिष्टकारी निश्चय से आशंकित एवं अशांत ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक का अपना कमलासन त्याग कर एकांत में चिंतन के लिए चले गए। नारायण नारायण, परमपिता ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा कहाँ है आप? आज आपका ये कमलासन रिक्त क्यों है? कृपया पधारिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। क्या बात है, तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? आश्चर्य तो इसी बात का है कि आप व्यग्र नहीं हैं। आपके द्वारा आयोजित प्रयाग यज्ञ में इतना बड़ा अपमान और शापकांड हुआ और आप शांत हैं? और परमपिता, आप मुझे ये बताएं कि आप अपना आसन छोड़कर कहां चले गए थे? किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए एकांत में चिंतन कर रहा था नारद। परमपिता, आपका ये कमलासन चिंतन का ही तो केंद्र है। चिंतन के लिए यहाँ से अदृश्य होने का प्रयोजन? ये तो मैं तुम्हारी पुकार पर चला आया, अन्यथा मुझे यहाँ से कुछ समय के लिए अदृश्य रहना था। परमपिता, इसका कारण? पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि तुम स्वयं प्रयाग यज्ञ के संदेशवाहक होकर भी प्रयाग यज्ञ में उपस्थित क्यों नहीं हुए? नारायण नारायण, परमपिता, आप मेरी व्यवस्था समझ सकते हैं। श्री हरि विष्णु ने जब यह आशंका व्यक्त की कि उस यज्ञ में कुछ अनिष्ट होने जा रहा है, तो उनकी आज्ञा अनुसार मैं वहां उपस्थित नहीं हुआ। परमपिता, अब आप ही बताएं कि भगवान शिवशंकर का अपमान मैं कैसे देख सकता था? आप समझे। परमपिता, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आपने भ्राता दक्ष को भगवान शिवशंकर का अपमान करने से रोका क्यों नहीं? इस हेतु कि वो भभूतधारी ओगड़नाथ अपमान और शाप के योग्य ही है। नारायण नारायण, ऐसा अशुभ बोलकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण न दो भ्राता दक्ष। सर्वनाश है? सर्वनाश तो उसी का होगा जो सर्वनाश के योग्य है। हम दक्ष प्रजापति हैं, सारी प्रजा के पालन करता। हमारा अपमान करने वाले को अपमान का दंड भुगतना ही होगा नारद। दक्ष, क्रोध के आवेश में आकर तुमने यज्ञ भूमि में जो अनर्थ कर डाला, उसका तुम्हें तनिक भी दुख नहीं है? अब यहाँ क्या करने आए? परमपिता, हम यहाँ आए दक्ष यज्ञ के निमंत्रण हेतु। दक्ष यज्ञ? कैसा दक्ष यज्ञ? परमपिता, आपने अपना वो यज्ञ हमसे बलपूर्वक पूर्ण करवाया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इस कारण हमने निश्चय किया है कि दक्ष भूमि कंथल में एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाए। नारायण नारायण, इस यज्ञ का प्रयोजन? नारद, ये आवश्यक तो नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दें, परंतु यदि आयोजन का कारण जानना ही है तो सुनो, दक्ष यज्ञ का आयोजन करके हम शिव को सदा सदा के लिए सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर देंगे। हम इस यज्ञ के द्वारा शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। दक्ष, शिव तो साक्षात परम ब्रह्म है, तुम उन्हें क्या बहिष्कृत करोगे? ऐसा अनुचित विचार भी अपने मन से निकाल। हमारा ये विचार ही नहीं, अटल निश्चय है परमपिता। हम अभी अभी श्री हरि विष्णु को निमंत्रण देकर आ रहे हैं और हमने उन्हें ये शपथ दिलाई है कि उन्हें हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित होना ही होगा, जिसमें कैलाशपति शिव का कोई स्थान नहीं होगा। परमपिता, नारायण नारायण, भगवान शिव महेश्वर होने के साथ साथ आपके जमाता है और आपकी पुत्री सती के पति भी, उन्हें आप यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकते हैं? तुम चुप रहो नारद। हाँ? हमने शिव को इस यज्ञ से ही नहीं अपने जीवन से भी बहिष्कृत कर दिया है। पिताश्री, आप समय से पूर्व यज्ञ में पहुंचकर पूरी व्यवस्था का संचालन कीजिए, हम यही कहने आए हैं। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण, इतना क्रोध, इतना अभिमान, अवश्य दक्ष प्रजापति के सर पर दुर्भाग्य मंडरा रहा है।
शिव के प्रति तीव्र रोष उन्हें कहीं का नहीं रखेगा। परमपिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस यज्ञ में आप सम्मिलित न हो। हम अपने ही पुत्र के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो, यह कैसे हो सकता है नारद? हमें जाना ही होगा। परमपिता, आपने एक बार तो भगवान शिवशंकर का अपमान देख लिया, क्या दूसरी बार आप वही देखने के इच्छुक हैं? उचित यही होगा कि आप उस यज्ञ का बहिष्कार करें। दुविधा में न डालो नारद, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने दो। हमें तो बस इतना ज्ञात है कि हर कार्य शिव की इच्छा अनुसार ही होता है। पता नहीं इस बार शिव की इच्छा क्या है। दक्ष के मन में जो इतना भयंकर क्रोध भड़क रहा है, वो बता रहा है कि सदाशिव इस यज्ञ के माध्यम से कोई विशेष कार्य संपन्न कराने के इच्छुक है। वो कार्य क्या है, ये हमें भी जानना है। नारायण नारायण। परमपिता, यदि आपको ज्ञात नहीं है तो कैलाश जाकर स्वयं भगवान शिवशंकर से पूछ लीजिए। नहीं नारद, दक्ष के पिता होने के नाते हम भी उत्तरदायी हैं। भगवान शिव के पास जाने का ये उचित अवसर नहीं है। हमें स्वयं श्री हरि विष्णु के पास जाकर इस विषय में परामर्श करना है। जैसी आपकी इच्छा, परंतु मैं इस अनर्थकारी यज्ञ को रोकने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव ने प्रयाग यज्ञ में दक्ष को श्राप न देकर अपने पराग पर ब्रह्म होने का परिचय दिया है, परंतु उस अज्ञानी दक्ष को यह ज्ञात नहीं कि शिव का सम्मान संपूर्ण त्रिलोकी का सम्मान है और शिव का अपमान संपूर्ण ब्रह्मांड का अपमान है। दक्ष को तो मुझे अपना पुत्र कहने में भी लज्जा आती है, लज्जा। चतुरानंद, जिसे ला जानी थी वो तो सर उठाकर घूम रहा है। दक्ष मेरे पास आमंत्रण लेकर आया था, उसने स्वयं एक और महायज्ञ का आयोजन किया है। आप वहां जाएंगे नाथ? अभी कोई निर्णय नहीं किया। हे नारायण, मेरे विचार से तो हम दोनों को वहां पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि यज्ञ की आड़ में दक्ष शिव विरोधी कोई नाटक खेलने जा रहा हो। प्रभु, ब्रह्मा जी की बात में औचित्य है, मैं भी उनकी बात का समर्थन करती हूँ। उचित है देवी, हम दक्ष यज्ञ में कनखल अवश्य जाएंगे। क्या कह रही हैं आप? यज्ञ के लिए सबको आमंत्रण भेजा जा चुका है। हाँ महारानी गिरिणी, कैलाशपति भगवान शिव, सती और शिव भक्त ऋषियों को छोड़कर शेष सबको यज्ञ में पधारने की सूचना देती है। अर्थात महाराज अपनी हट पर अड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने इसके दुष्परिणामों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। कहाँ है महाराज? जी वो भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा को निमंत्रण देने स्वयं गए थे। तो फिर शिव सती को बुलाने मैं कैलाश जाऊंगी। मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। ये हम क्या सुन रहे हैं महारानी? तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध कैलाश जाओगी? हमारी पुत्री सती और जामाता शिव इस यज्ञ से वंचित रहे, ये मैं नहीं देख सकती। यदि आप निमंत्रण नहीं भेजते तो मुझे स्वयं वहां जाना होगा और मैं अवश्य जाऊंगी। महारानी, हमारी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम जानती हो? हमारा क्रोध तुम्हें इसी समय जलाकर भस्म कर सकता है। हमारी बेटी सती और शिव के साथ के संबंधों को भस्म करने से पहले आप मुझे भस्म कर दें। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो सकता तो क्या अर्थ है इस यज्ञ का? क्यों कर रहे हैं आप ये यज्ञ? हम संसार के सबसे बड़े सत्ताधारी हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे अधिकारों को चुनौती देने वाली तुम होती कौन हो? नारायण नारायण। शांत हो जाइए भ्रातादक्ष, आपका क्रोध जग प्रसिद्ध है, परंतु यज्ञ करने वाले को क्रोध करना शोभा नहीं देता। नारद, तुम यहाँ भी चले आए? नारायण नारायण, मैं तो बिना निमंत्रण के ही हर कहीं पहुंच जाता हूँ भ्रातादक्ष। इसके लिए न आश्चर्य की आवश्यकता है न क्रोध की। देवर जी, देख रहे हैं ना इनका हट? आप ही बताइए, शिव शंकर को बुलाए बिना क्या कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है? कदापि नहीं। शिव जी के बिना यज्ञ अधूरा ही नहीं,
अनिष्टकारी भी है भ्राता दक्ष, इसीलिए मैं आपको यहाँ सावधान करने के लिए आया हूँ। या तो शिव सती को निमंत्रण भेजिए या इस यज्ञ का विचार ही त्याग दीजिए। ऐसे शिव विहीन यज्ञ से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये यज्ञ होगा और शिव सती के बिना होगा, ये हमारा निश्चय है और हम अपने अटल निश्चय को कदापि नहीं बदलेंगे। नारद जी की बात मान लीजिए, शिव सती को आमंत्रण भेज दीजिए स्वामी, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपको शिव जी के पास कैलाश जाना स्वीकार नहीं है तो मैं चला जाऊंगा आपका भाई होने के नाते। भावज विरणी की बात मान लीजिए भ्राता। एक तो तुम बिना बुलाए हमारा क्रोध जगाने यहाँ चले आए हो, दूसरे यज्ञ में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहे हो। नारद, हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? देवर्षि नारद आपके भ्राता होने के साथ साथ सबके पूज्य भी हैं। नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने ठीक ही कहा है, जब विनाश समीप आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अब मैं ना आपके इस महल में आऊंगा ना आपके उस अनिष्टकारी यज्ञ में। भावज गिरणी, अब आज्ञा दीजिए, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। नारायण नारायण। सती, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझसे छिपाई, मुझसे अपनी अर्धांगिनी से। किंतु यदि नंदी न बताता तो मुझे ये ज्ञात ही न होता कि मेरे पिताश्री ने उसी पर इतना विश्व मन कर डाला जिसने सृष्टि के हित को ध्यान में रखकर विष को अमृत समझकर पी डाला। क्या उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि स्वयं एक शूद्र सी चीटी होते हुए मेरे आकाश नापते पर्वत से स्वामी से टकराने का फल क्या हो सकता है? विचार दो सती, विसार दो सारी कड़वी बातें जैसे मैंने विसार दी। कड़वाटों के स्मरण से मन मस्तिष्क दूषित हो जाते हैं, तुम्हारा सदा प्रसन्न रहना ही उचित है। सती, भगवान शिव शंकर को चंद्र का प्रणाम। अरे सती, तुम यूं ही खड़ी हो? हम तो तुम्हें साथ ले जाने हेतु आए थे। कहाँ? पति प्रेम में तो तूने सभी को विसार दिया है सती, अपने मायके, अपने माता पिता सबको। बात यह है कि हम लोग यज्ञ में सम्मिलित होने दक्ष महल जा रहे थे, सोचा आप लोगों को भी साथ लेते चलें, किंतु आप लोग तो अभी हमें पिताश्री ने निमंत्रित नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि हमें तो आमंत्रित करने में स्वयं आए और तुम्हें विसार दें? यज्ञोजन कोई छोटा मोटा काम नहीं, हो सकता है व्यस्तताओं के कारण इस महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण ना रहा हो। मैं अभी जाकर स्वयं उनसे पूछकर निमंत्रण भिजवाता हूँ, तो हमें अब आज्ञा दीजिए। मेरे हृदय को व्यथित कर दिया है, मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ कि स्थिति का परिणाम क्या होगा। ओम नमः शिवाय।
Thank you.